हेलो बच्चों नमस्ते। अब हम लोग पढ़ेंगे भिन्नों के जोड़ के बारे में। मतलब कोई भिन्न संख्या दी हुई हो और उसको कह दे जोड़ कर बताइए उसका आंसर कितना आएगा। तो चलिए उसको देखते हैं। जैसे कोई क्वेश्चन है 7/4 + 5/8, इसको हमें क्या करना है, जोड़ना है। तो यहाँ लिखेंगे सोल्यूशन। आप क्या करेंगे, पहले हम जोड़ने से पहले देखिए जोड़ और घटाने का नियम सेम है। जितना भी इसमें स्टेप है वही स्टेप आपको घटाने में भी करना पड़ेगा, बस लास्ट में इसको जोड़ना है और लास्ट में घटाने वाले में घटाना पड़ेगा। तो हम पहले पढ़ रहे हैं भिन्नों के जोड़ के बारे में। तो पहले क्या करेंगे हम, जो इसमें हर है, इस भिन्न का हर और इस भिन्न का हर, इस भिन्न का हर 4 है, इस भिन्न का हर 8 है। पहले 4 और 8 का निकालेंगे लासापा। तो ये किनारे निकाल देते हैं 4 8 का लासापा। 2 से करो 2 2 4, 2 4 8। फिर 2 से करो 2 × 2 = 4। फिर 2 से करो 2 × 2 = 2। तो लासापा में क्या करते थे, जो बाहर अभाज्य संख्या है उसको हम क्या करते थे, गुणा कर लेते थे। तो 2 × 2 = 4, 4 × 2 = 8। तो बराबर का चिन्ह लगाओ और एक थोड़ा लंबा सा बटा खींचो और जो लासापा आया उसको लिख दो नीचे। लासापा कितना है आपका, 8 है। 2 × 2 = 4, 4 × 2 = 8। अब क्या करना है, हर को हर से भाग करना है, यानी 8 को 4 से भाग करना है। तो क्या करो भाग करने के लिए, सिंपल, या तो भाग करके देख लो तब भी उतना आएगा, या यहीं पर जो यहाँ पर आप एलसीएम निकाले हो तो इसमें जो अभाज्य संख्या बाहर है तो 8 को किससे भाग करना है, 4 से। तो इसमें 4 रोक लो, 2 × 2 = 4। तो 4 जब रुक जाएगा तो सिर्फ क्या बचेगा, 2 बचेगा। तो इस 2 का गुणा करोगे, 2 का गुणा करोगे किससे, जो इसके अंश में दिया, अंश में क्या दिया है, 7 दिया है। तो 7 लिख दो, प्लस का चिन्ह है, प्लस लगा दिए। अब 8 को भाग करना 8 से, तो 2 × 2 = 4, 4 × 2 = 8, कुछ बचा, कुछ नहीं बचा, नहीं क्या बचेगा, 1। तो 8 को जब 8 से भाग करोगे तो क्या बचेगा, 1 बचेगा, और 1 का गुणा इसके अंश से, तो 1 × 5 हो गया। बटा खींचो नीचे हर में 8 लिखो, 2 × 7 = 14 + 5 = 5। जोड़ने कितना आया आपका, 14 × 5 = 19 हो गया, 19/8 हो गया ये, ठीक। अब इसमें क्या है, कुछ कटेगा ऊपर नीचे, नहीं कटेगा, लेकिन इसमें क्या है, जो अंश है वो हर से बड़ा है, अंचित भिन्न में है, तो इसको बदल दो मिश्र भिन्न में। ये भी आंसर हो सकता है, या फिर मान लो आप कोई सवाल लगा रहे हो उसमें ऑप्शन इस तरह ना हो, उसका ऑप्शन मिश्र भिन्न में दिया हो, कब, जब अंश बड़ा रहे, तो इसको मिश्र भिन्न में आप बदल दीजिए। अभी कल के वीडियो में मैंने समझाया था कि अंचित भिन्न को मिश्र भिन्न में कैसे बदलते हैं। तो क्या करते हैं, 19 को 8 से भाग करते हैं, तो 19 को जब 8 से भाग करोगे कितने बार, 2 बार, तो 2 × 8 = 16। अब 19 में से 16 घटाओ बाकी बचा 3, और बटे कितना है 8, तो बटे 8 लिख दो, ठीक। अब यहाँ पर हम भाग करके नहीं दिखा सकते, क्योंकि पिछले वीडियो में मैंने दिखा दिया कि मतलब अंचित भिन्न को कैसे मिश्र भिन्न में बदलते हैं। तो 8 का पढ़ा पढ़ना है, 19 से ज्यादा ना जाए, तो 8 × 2 = 16, यानी भागफल बीच में रहता है। बटे का चिन्ह लगाओ, ऊपर शेषफल लिखते हैं, तो जब 19 में से 16 घटाओगे बाकी बचेगा 3, और बटे भाजक, भाजक कितना आपका 8 है, ये हो गया आपका आंसर। इसी तरह से और कोई क्वेश्चन लेते हैं, अब लिखते हैं दूसरा सवाल, कोई लिख देते हैं 13/9 + 4/15, ठीक। 13/9 + 4/15, इसको क्या करना है, इस भिन्न को जोड़ना है। तो लिखोगे सॉल्यूशन, यानी हल। पहले क्या करोगे, जो हर है 9 और 15 का एलसीएम निकालोगे। तो ये निकाल लेते हैं किनारे, 9 और 15 का एलसीएम, तो 3 से विभाजित होगा, 3 × 9 = 9, 3 × 5 = 15। फिर 3 से करो 3 × 3 = 3, 5 ऐसे रहेगा। फिर 5 से करो 1 + 1, एलसीएम कितना आ गया, 3 × 9 = 9, 9 × 5 = 45, एलसीएम आपका आ गया 45। अब 45 को क्या करना है, हर से भाग करना, हर को हर से भाग करो। तो 45 को किससे भाग करना है, 9 से, तो 9 यहीं पर रोक लो, या तो भाग करके अलग देख लो, यहीं पर देख लो, 3 × 9, 9 रुक गया, तो क्या बचा आपके पास, 5 बचा। तो इस 5 से क्या करोगे, मल्टीप्लाई करोगे, 5 से क्या करोगे, मल्टीप्लाई यानी कि गुणा, किसका गुणा करोगे, अंश का, अंश में क्या है, 9 के अंश में 13 है, प्लस। अब 45 को भाग करना है 15 से, तो 15 रुको, तो कितना, 3 × 5 = 15, 1 रुक गया, 3 × 5 = 15 रुक गया, तो क्या बचा आपके पास, 3 बचा। तो 3 का गुणा किससे, अंश, अंश में कितना है, 4 है। बराबर चिन्ह लगाए, बटा खींचो नीचे, कितना लिखा, 45, 15 × 3 = 45, प्लस 4 × 3 = 12 हो गया। अब इसको जोड़ दो, 5 × 2 = 7,
चार एक पांच बटे 45, इसका आंसर कितना आएगा 57/45। तो अभी ये इसको हम सरलतम रूप में बदलेंगे, क्योंकि ये भी ऊपर नीचे भाग होगा, किससे भाग होगा, तीन से होगा, क्योंकि देखो तीन से विभाजित कोई संख्या तभी होती है जब उसको आपस में जोड़ दो, जोड़ने पर जो संख्या प्राप्त हो वो तीन से अगर विभाजित हो गया तो समझो दी गई संख्या तीन से विभाजित हो जाएगी। तो जब हम सरलतम रूप में बदलते हैं तो जिस संख्या से ऊपर भाग करते हैं उसी संख्या से नीचे, तो देखो 7, 5, 12, तो 12 तीन से विभाजित हो जाएगा, और ये 4, 5, 9, तो 9 भी तीन से विभाजित हो जाएगा, इसलिए हम क्या करेंगे दोनों को तीन से विभाजित कर देंगे। तो जब देखो जब भी आपको काटना हो तो थोड़ा, जैसे ये लाइन लिखे हम तो उसके बाद ये लाइन लिखे हैं, तो जब भी आपको लगे कि कट रहा है तो क्या करो उसके पीछे थोड़ा गैप रख दो, ताकि काटो तो उसमें एक दूसरे में टच ना हो, और जब ऊपर वाले काटो थोड़ा ऊपर लिखो, नीचे वाले काटो दोनों नीचे लिखो, तो इसको काटेंगे बचेगा तो तीन के बड़ पड़ो पांच से ज्यादा ना जाए, तीन कितने तीन, बाकी बचे दो, दो सात 27, तीन नौ 27, इसको काटो तीन कितने तीन, बाकी बचा एक, एक पांच 15, तीन पचे 15 हो गया, कितना बचा आपके पास 19/15, क्या बचा 19/15। अब ये किसी भी संख्या से विभाजित नहीं होगा, सेम संख्या से, तो क्या करेंगे इसको हम, अब ये क्या हमारा अंशित भिन्न है, क्योंकि इसमें अंश बड़ा है हर छोटा है, तो इसको बदलेंगे मिश्र भिन्न में। तो क्या करोगे 19 को 15 से भाग करोगे, तो 15 का पड़ा पड़ो 19 से दन दे, तो 15 कितने 15 बटे का चिन्ह लगाओ, अब 19 में से 15 हटाओ बाकी बचा 4, और किससे भाग किया हो 15 से, तो यहाँ हो गया बटे 15, ये हो गया आपका आंसर। अब अगला क्वेश्चन तीसरा, अभी बुक से हम नहीं पढ़ा रहे नवोदय के बुक से, अभी वैसे ही दे रहे हैं सवाल कि आप लोग लगाइए ज्यादा से ज्यादा, ताकि आपको जो मुख्य चीजें हैं भिन्न के बारे में वो आपको समझ में आ जाए। तो यहां पर सवाल ले लिए हम 7/8 + 5/8, इन दोनों को क्या करना हमें जोड़ना है, तो यहां लिखो सॉल्यूशन। तो पहले क्या करेंगे, हर हर कैल्शियम, वैसे यहां पर सेम है तो डायरेक्ट लगा सकते हो, लेकिन हो सकता है कुछ बच्चे कंफ्यूजन में पड़ जाए कि कब डायरेक्ट लेना है कब एलसीएम लेना है, तो डायरेक्ट आप लगा सकते हो जब आपका हर समान हो। तो चलिए हम एलसीएम के द्वारा ही बताते हैं, लासापा के द्वारा ही। तो पहले क्या करोगे 8, 8 का एलसीएम निकालो, यहीं किनारे निकाल देते हैं 8, 8, 2 से विभाजित करो 4 बचा, 2 से करो 4 बचा, फिर 2 से करो 2 × 4, 2 × 4, फिर 2 से करो 1, 1, एलसीएम कितना है 2 × 4, 4 × 8, एक लंबा सा बटा खींचो उसके नीचे 2, 8। अब 8 को 8 से भाग करो, तो 2 × 4, 4 × 8 कुछ बचा, सब बंद कर लिए तो कुछ नहीं बचा, ठीक, ये मतलब 2 × 4, 4 × 8 इसको पूरा हम बंद कर देंगे तो कुछ नहीं बचेगा, यानी क्या बचेगा, एक बचेगा, यानी कि जब 8 को 8 से भाग करोगे तो बचेगा एक, तो 1 × 7 प्लस फिर 8 को 8 से भाग करो बचेगा एक, 1 × 5, ये भी जानते हो कि सेम संख्या को भाग करते हो क्या बचता है, एक ही बचता है, बटा खींचो नीचे लिखा 8, 1 × 7 प्लस 1 × 5 कितना हो गया आपके पास, जोड़ दो तो कितना हो जाएगा 7, 5, 12 और बटे 8 बराबर, यहां सामने लगो बटे के सामने, ठीक, तो 12/8 हो गया। अब देखेंगे 12 और 8 किससे विभाजित होगा, 2 से भी विभाजित होगा और 4 से भी ये विभाजित होगा, तो हम 2 से करेंगे तो फिर हमें अगली बार काटना पड़ेगा, इसलिए हम सीधे कर देते हैं 4 से विभाजित, तो 4 × 3 = 12 और 4 × 2 = 8, क्या बचा 3/2, तो 3/2 किस रूप में है, अंशित भिन्न में है, तो इसको बदलो मिश्र भिन्न में, तो 2 के पढ़ पढ़ो 3 से इतना जाए 2 × 2, बाकी तो 3 में से 2 घटाओ बाकी बचा 1, तो 1/2, आंसर हो गया आपका 1/2। अगर यहां से आपको अंशित भिन्न को मिश्र भिन्न में बदलना नहीं समझ में आया तो आप पिछला वीडियो देख लीजिए, उसमें आपको समझ में आ जाएगा कि अंशित भिन्न को मिश्र भिन्न में कैसे बदलते हैं। अब देखते हैं अगला सवाल, लिखा है 5/7 + 8, इन दोनों को हमें जोड़ना है, क्या करना है जोड़ना है, तो इसमें तो अंश और हर दोनों है, लेकिन इसमें सिर्फ अंश है हर नहीं है, तो इसमें पहले हम क्या करेंगे हर लिखेंगे, जब अपान में कुछ नहीं हो हर में तो क्या लिखते हैं 1 लिखते हैं, यानी कि 1 लिखते हैं, तो लिखो सॉल्यूशन, लिखो 5/7 + 8/1, ठीक, 5/7 + 8/1 हो जाएगा, जब हर में कुछ ना रहे तो क्या लिखोगे आप, एक ही लिखोगे, अब 7 और 1 क्या लोगे एलसीएम,
तो 7 कमा 1 2 से भाग कर देते हैं, तो 2 2 से नहीं भागोगा कोई, सीधे किससे होगा, 7 से होगा। तो 7 का 7 7 का 7 एलसीएम कितना आया आपका, 7 आ गया। 7 को 7 से भाग करो क्या बचेगा, जब सेम संख्या को भाग करोगे क्या बचेगा, 1 बचेगा। तो 1 गुणे 5 प्लस, अब 7 को जब 1 से भाग करोगे तो किसी भी संख्या को जब हम 1 से भाग करते तो वही संख्या बच जाता है, यानी जब 7 को भाग करोगे 1 से तो क्या बचेगा, 7, और गुणे हो जाएगा 8। बराबर लगाओ, बटे का लंग खींचो बराबर के सामने, नीचे 7 लिखा नीचे 7 लिख दो, 1 पंचे 5, 7 को 8 से गुणा करो तो 78 56 हो गया, जोड़ो कितना हो जाएगा, 56 5 61 बटे 7। यहां भी ये अंशित भिन्न में है, किसमें है, अंशित भिन्न में है, तो इसको क्या करो मिश्र भिन्न में बदल दो, तो 7 के पहाड़ पढ़ो 61 से ज्यादा ना जाए, तो 7 के पहाड़ा 8 बार, 7 8 56। अब 61 में से 56 घटाओ कितना बचेगा, 5 बचेगा, और बटा हो गया 7। ये हो गया आपका आंसर। अब क्वेश्चन नंबर 5वां देखते हैं, लिखा है 2 बटे 10 प्लस 7 बटे 15 प्लस 3 बटे 5, इन सभी को हमें जोड़ना है। तो जोड़ने से पहले क्या करोगे, जो हर है हर का निकालोगे, लासापा यहां डालो सोल्यूशन, अब यहां निकाल दो लासापा, 10 कामा 15 कामा 5। तो पहले 2 से करोगे तो 2 पंचे 10, 15 वैसे लिख दो, 5 भी वैसे हो गया। अब किससे करोगे, 3 से करोगे तो 5 और 3 पचे 15 और 5 वैसे हो गया। फिर 5 से करोगे तो 5 कितने 5 5 कितने 5 5 कितने 5, लासा कितना आया, 2 तियाए 6 6 पंचे 30, लासापा आपका आ गया 30। अब हर को हर से भाग करो, तो 30 को किससे भाग करना है, 10 से, तो 10 रोको इसमें, तो 5 दुन्नी 10, 10 आपका रुक गया, तो क्या बचा आपका बीच में, 3 बचा, तो 3 से गुणा कर दो, किसका गुणा, 2 का प्लस, अब 30 को भाग करना 15 से, तो इसमें 15 रोको, तो 5 तियाए 15, तो 15 आपके पास रुक गया, तो क्या बचा ऊपर, 2 बचा, तो 2 का गुणा करो किससे, 7 से। 30 को भाग करना 5 से, तो सिर्फ 5 रोक लो, तो जब 5 रोकोगे तो क्या बचेगा, 2 और 3 यानी 2 तियाए 6, जो बचेगा उसको आपस में मल्टीप्लाई कर लोगे तो हो जाएगा 2 तियाए 6, तो 6 का गुणा हो जाएगा 3 से। ठीक, बटा खींचो, यहां नीचे लिखो 30, 3 दुन्नी 6 प्लस 2 सते 14 प्लस 6 त्रिक 18, ये हो गया। अब सबको जोड़ना है हमें, तो बराबर बटे का चिन्ह लिखो, लेकिन नीचे लिखो 30 14 6 20 20 18 38, कितना हो गया, 20 18 38 हो गया। अब क्या करो, ये जो संख्या मिला आपको भिन्न संख्या 38 बटा 30, ये भी सरलतम रूप में इसको बदलोगे, क्योंकि तो ये भी विभाजित होगा, किससे विभाजित होगा, 2 से, तो 2 के निम्न 2 बाकी बचा 1 1 9 18 2 9 18 हो गया, इसको काटो कितना बचेगा, 15 बचेगा, आपके पास मिल गया 19 बटा 15। देखो अभी जो सवाल लगा रहे हैं सब में आंसर अंशित भिन्न में आता है, ठीक है, कोई जरूरी नहीं कि हमेशा अंशित भिन्न में आए, कभी उचित भिन्न में भी आएगा, ठीक, या नहीं जरूरी कि हमारा आंसर अंशित भिन्न में आए, तो आपका भी चाहे जो सवाल लगा तो अंशित भिन्न में आए, ऐसा जरूरी नहीं है। तो इसमें क्या है, हर छोटा है, तो हर छोटा है तो बदलोगे मिश्र भिन्न में, तो हो जाएगा 15 के 15 15 4 19 बटा 15, ये हो गया आपका आंसर। अब देखते हैं अगला सवाल, एक सवाल और है जिसे लिखा है 2 सही 1 बटा 5 प्लस 5 सही 1 बटा 10, 2 सही 1 बटा 5 प्लस 5 सही 1 बटा 10, इसको हमें जोड़ना है। तो जोड़ने से पहले क्या करोगे, ये मिश्र भिन्न में दिया है, इसको बदलोगे अंशित भिन्न में, तो क्या करोगे, हर को जो पूर्णांक संख्या उससे गुणा करोगे, तो 5 दुन्नी 10 और जो 10 मिला उसमें अंश जोड़ दोगे, तो 10 1 11 11 बटा 5 प्लस लगाओ। अब इसको करो, 10 का पहाड़ा 5 बार, तो 10 पचे 50 50 1 51 51 बटा 10 हो गया। अब क्या करो, 5 और 10 का निकालो लासापा, तो कितना निकाल देते हैं, 5 10 का लासापा, तो 2 से करो, 2
पांच वैसे रहेगा, दो पंचे दस, फिर पांच से करो, पांच कितने पांच, पांच कितने पांच, लासापा कितना आया दो पंचे दस, लासापा आ गया दस। अब दस को पांच से भाग करो कितना बचेगा, पांच से जब भाग करोगे तो पांच बंद कर दिए, ऊपर क्या बचा, यहां ऊपर बचा आपका दो बचा, तो यही दो आपको लिख देना है। तो दो गुणे ग्यारह प्लस, अब दस को दस से भाग करो तो दो पंचे दस, दोनों खत्म हो गया, कुछ नहीं बचा, क्या बचेगा एक बचेगा। जब सेम संख्या को भाग करोगे क्या बचेगा, एक ही बचेगा, तो एक का गुणा इक्यावन से, अब गुणा करो ग्यारह दुना बाईस, बटा का चिन्ह बराबर के सामने लगाओगे प्लस इक्यावन कितने इक्यावन बटा दस, दो एक तीन और तीन सॉरी दो और पांच सात बटा दस, तिहत्तर बटे दस हो गया। तो अब इसमें भी अंश भिन्न में है आंसर, तो इसको क्या करोगे मिश्र भिन्न में बदल दोगे, तो दस का पढ़ा पढ़ो सत्तर से ज्यादा ना जाए, तो दस सत्ते सत्तर, बाकी बच्चा तीन, तो तीन को लिखो अंश में और बटा हो गया दस, ये हो गया आपका आंसर। अब देखिए अगला सवाल है, सवाल नंबर सातवां, पांच बटे सात प्लस एक सही एक बटा तीन प्लस दो सही चार बटे पांच, तो इसको हमें जोड़ना है, तो इसको क्या करोगे, पहले इसमें देखिए ये तो उचित भिन्न में दिया है, ये मिश्र भिन्न में है और ये भी मिश्र भिन्न में, तो इसको क्या करोगे अनुचित भिन्न में इसको बदल दोगे और इसको ऐसे लिख दोगे। तो यहां लिखो सॉल्यूशन, अब यहां लिखो पांच बटे सात प्लस, अब इसको बदलना है अनुचित भिन्न में, तो क्या करेंगे हर को पूर्णांक से गुणा करेंगे, तो तीन कन्नम तीन और अंश को जोड़ दो, तो तीन एक चार, चार बटा तीन प्लस, अब इसमें हर को पूर्णांक से गुणा करो तो पांच दुन्नी दस और अंश को जोड़ो तो दस और चार चौदह, चौदह बटा पांच। अब क्या करना है हमें आगे, सात तीन पांच का लासापा, तो सात तीन पांच, तीन से करो तो सात वैसे रहेगा, तीन कन्नम तीन पांच वैसे रहेगा, पांच से करो तो सात वैसे रहेगा एक और पांच कन्नम पांच, फिर सात से करो तो सात कन्नम सात, सात कन्नम सात सॉरी एक और एक का एक रहेगा, एलसीएम कितना है तीन पचे पंद्रह, पंद्रह सत्ते एक सौ पांच, एक लंबा सा बटा खींचो नीचे लिखो एक सौ पांच। अब एक सौ पांच को क्या करना है, सात से भाग कर देना है, तो जब सात से भाग करोगे तो कितना बचेगा, सात बंद कर दो, सात से भाग करना है तो ऊपर बचा तीन और पांच, तो तीन पांच का कर दो गुणा, तीन पचे पंद्रह, यहां लिखो पंद्रह और गुणे अंश में कितना है सात के पांच है, तो यहां पांच लिख दो प्लस। अब 105 का भाग करना तीन से, तो तीन यहां रोक लो, तो नीचे क्या बचा पांच और सात, यानी पांच सत्ते पैंतीस, तो पैंतीस का गुणा हो जाएगा चार से, फिर प्लस लगाओ, 105 को भाग करना है पांच से, तो पांच रोक लो, ये पांच रुक गया आपका, तो क्या बचा तीन और सात, तो तीन सत्ते इक्कीस, इक्कीस गुणे चौदह। अब बराबर चिन्ह लगाए, बटा का लाइन खींचे, बटा खींचे लिख दिए 105, 15 का गुणा 5 है तो हो गया 15 पचे 75 प्लस 35 का गुणा 4 से तो हो जाएगा 35 का गुणा 4 से तो हो जाएगा 140, 520 हासिल है दो और 4 तिया 12, 12 दो 14 प्लस 21 का गुणा 14 से तो 14 कन्नम 14 हासिल है एक, 14 दुना 28, 28 एक 29। अब बराबर चिन्ह लगाओ, नीचे लिखो 105, ऊपर वाला जोड़ दो, पाँच जीरो पाँच, पाँच चार नौ, सात चार ग्यारह, ग्यारह नौ बीस, हसलाया दो, दो एक तीन, तीन दो पाँच। अब क्या है आपके पास, 509 बटा 105, तो 509 बटा 105 क्या होगा, किसी संख्या से विभाजित नहीं होगा, तो इसमें क्या हर छोटा है, तो जब हर छोटा रहेगा तो बदलोगे मिश्र भिन्न में, तो मिश्र भिन्न में क्या करेंगे बदलने के लिए भाग करेंगे, तो थोड़ी बड़ी संख्या तो इसको भाग करके देख लेते हैं हम, 105 से भाग कर दो 509 का, 105 का पढ़ा पढ़ना 509 से ज्यादा ना जाए, तो 105 का पढ़ा याद नहीं है, 10 का पढ़ पढ़ो, 10 का पढ़ा पढ़ो 50 से ज्यादा ना जाए, तो 10 पचे 50, पांच बार पढ़ा पढ़ोगे, लेकिन
मल्टीप्लाई करने से पहले देख लो कि 509 से ज्यादा आता है या कम आता है 105 का गुणा किससे, 5 से, क्योंकि 10 पचे 50 बोले यानी 5 बार पढ़ा पढ़ना है। तो पहले हम गुणा करके देखेंगे, 105 का गुणा 5 से बोल दिए हम, तो 25 हाथ से लाया 2, 5 जीरो 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 में 2 जोड़ो, 2 5 करने में 5, कितना हो जाएगा 525, जो कि 509 से ज्यादा, इसलिए पढ़ा पढ़ोगे 4 बार, 5 से 1 कम कर दो 4, तो 4 पंचे 20 हाथ से लाया 2, 4 जीरो 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 में 2 जोड़ो, 2 4 करने में 4, अब इसको घटा दो 9, 10 में से 2 गया 8 बचा, यहाँ कुछ नहीं हो जाएगा। तो अब बराबर लगाओ, बटे का चिन्ह लगाओ, जो भागफल है उसको लिखो बीच में यानी 4, जो शेषफल है उसको लिखो ऊपर यानी 89, और जो भाजक है जिससे भाग के उसको लिखो नीचे। यह हो गया आपका आंसर। ठीक,